मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 महीने से अधिक समय तक संकल्प यात्रा पर रहने के बाद अब संकल्प यात्रा का समापन रांची में किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक झारखंड में बीजेपी की सरकार ना बन जाए। मैं आज के कार्यक्रम में इतना ही निवेदन करूंगा कि इतना ही अपील करूंगा कि आज आप देखें कि झारखंड प्रदेश में लगभग 4 साल से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन इन 4 वर्षों में अगर आप देखें विकास का काम तो कहीं हुआ नहीं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। पूरी सरकार ही अगर हम कहें तो कमाने में सरकार लगी हुई है। आज झारखंड में जो कुछ भी विकास का काम देखते हैं, यहाँ के लोगों के लिए जो विकास का काम हुआ, जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले तो देश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना, और अलग झारखंड राज्य बना और राज्य बनने के बाद जो विकास का काम प्रारंभ हुआ, आज अगर हम देखें तो इस प्रदेश के गांवों तक सड़कें पहुंची है, घरों तक बिजली है, नदी नाला में पुल पुलिया बना के आने जाने के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, क्योंकि देश में तो कांग्रेस पार्टी ने 50-55 वर्षों तक राज किया लेकिन तब भी कोई गांव की शुद्धि नहीं ली थी, ना अलग झारखंड राज बनाया था। अगर इस काम को किसी ने पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप काम हो रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आज इतना विकास जो सारे कुछ देख रहे हैं, इन्होंने तो कई एक सारे घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। चुनावी मंचों से नहीं, विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था, उनके वित्त मंत्री का बजट भाषण में है 2020 का, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी काम पूरा नहीं किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज इस राज्य में हेमंत सोरेन के रहते प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपना विकास करते हैं, परिवार का विकास करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है, रोज चोरी डकैती हत्या अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर के जितनी भी सरकारी दफ्तर है, छोटा या बड़ा काम बिना पैसा से नहीं होता है, और लूट तो सब तरफ मची हुई है, चाहे वो जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, बालू की लूट हो, पत्थर की लूट हो, यानी लूट ही लूट है। और उन लुटेरों से झारखंड को आप बचाना, हेमंत सोरेन तो उन लुटेरों को संरक्षण दे रहे हैं। आज अगर उन लुटेरों के विरोध में उन लोगों को पकड़ करके ईडी वालों ने जेल भेजा है तो उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे वकीलों को ले आते हैं, करोड़ों टका उसमें खर्च करते हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, उनको बचाया जा सके। और आज जो हेमंत सोरेन कहते थे कि हम तो आंदोलनकारी के बेटे हैं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन ईडी वालों ने जब उनको नोटिस दिया तो आज वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भागे फिर रहे हैं। भाई हेमंत सोरेन जी अगर कुछ गड़बड़ नहीं किए होते तो फिर उनको भागने की कोई जरूरत नहीं, ईडी के दफ्तरों में जा करके सब कुछ बता देते आराम से, लेकिन उन्होंने तो इतनी गड़बड़ कर रखे हैं और आज भी इस प्रदेश की यही हालत है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि हमें यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है,
यही मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। क्योंकि आज आपको याद होगा जब इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती है, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, अपराधी झारखंड से भागते हैं, डरे चियावा छुपते हैं, लेकिन आज वही पुलिस है अपराधियों को पकड़ने छोड़ करके अब वो सब लोग वसूली में लगा रखे हैं। हेमंत सोरेन जी, अब कोई बालू के घाट पर पुलिस बैठे हुए वो ट्रैक्टर को पकड़ते हैं। जब पुलिस वसूली में लगेगी तो कानून व्यवस्था कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं यही कह रहा हूं आप सब से, आज संकल्प लेकर के आप सब यहां से जाएं कि हम सब लोग इस राज्य को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और 2024 में फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, यही संकल्प लेकर के हम सब लोगों को जाना। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।